देश और विदेश में कोरोना संक्रमण अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अब इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दहशत फैलाना शुरू कर दी है। ओमिक्रॉन के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा रहा है। फिलहाल हिमाचल में इसने दस्तक नहीं दी है, वहीं सोलन जिला का स्वास्थ्य विभाग भी ओमिक्रॉन से निपटने के लिए पूर्णतः तैयार है। लोगों को कोरोना नियमों के प्रति फिर से जागरूक किया जा रहा है। कोरोना के मामले भी जिला में बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक सोलन में 80 मामले कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं और पिछले दिनों कई मामले शैक्षणिक संस्थानों में भी देखने को मिले थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उपल ने स्थिति को सामान्य करार देते हुए कहा कि अभी जिला में केवल 80 मामले कोरोना पॉजिटिव के हैं, जिनमें अभी तक कोई भी संक्रमित रोगी अस्पताल में भर्ती नहीं है। बाकी सभी स्थिति अभी सामान्य है, सभी को अपने घरों में ही आइसोलेट किया गया है। उन्होंने बताया कि उन पर भी विभाग पैनी नजर रखे हुए है, समय समय पर उनकी विभाग द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए विभाग पूरी तरह से तैयार है, किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जा रही है। सोलन जिला में करीब 800 बेड कोरोना रोगियों के लिए तैयार किए गए हैं। ऑक्सीजन भी भारी संख्या में विभिन्न स्थानों पर मौजूद है। उन्होंने बताया कि अभी ओमिक्रॉन के टेस्ट हिमाचल में नहीं हो रहे हैं, उसके लिए केवल मुंबई और दिल्ली ही सैंपल भेजे जाते हैं। कोरोना की स्थिति कंट्रोल में है, अभी हमारे टोटली एक्टिव केस 80 हैं और उसमें से सिर्फ एक हॉस्पिटलाइज है, बाकी सारे के सारे पेशेंट जो है वो होम आइसोलेशन में हैं और स्टेबल हैं। विभाग ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं, MMU में 100 ऑक्सीजन बेड बना दिए हैं, DCSC काठा में ऑक्सीजन बेड्स हमने बना दिए हैं और पूरे अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 800 के करीब हमारे पास ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं। ओमिक्रॉन के टेस्ट यहाँ नहीं होते, ओमिक्रॉन की जीनोमिक स्टडी होती है, जिसके CRI कसौली के थ्रू आगे लैब में जाते हैं।